हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी पिछले 2 माह तक फॉर्म फिलअप किया गया था उसका यहां पे फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन आया गया है। साथ ही साथ जितने लोग यहां पे 25 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है सबको यहां पे जो है यहां पे अपने एप्लीकेशन में एडिट करने का मौका मिला हुआ है। यानी कि बीएसएससी डिपार्टमेंट के तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग इस फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं वो यहाँ पे निर्धारित डेट यानी कि 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के बीएसएससी की वेबसाइट पे जाकर के अपना अपलोड करना एकदम अनिवार्य है। यानी कि जो लोग फॉर्म भरे हैं सबको यहाँ पे एडिट करना है और एडिट एप्लीकेशन में किसी तरह की त्रुटि है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, अन्यथा अपना जो है वेबसाइट पे अपना जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे फाइनली सबको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं इस स्थिति में आपका जो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन कैसे एडिट करने हैं और अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। उसके पहले यहाँ पे हम छोटी सी नोटिफिकेशन जान लेते हैं जहाँ पे ये जो है 15 जनवरी के दिन यहाँ पे इस नोटिस को जारी किया गया था, बट यहाँ पे जो है पब्लिश किया गया इसको यहाँ पे 18 जनवरी के डेट में। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है जहाँ पे साफ साफ दिया गया है विज्ञापन संख्या 2/23 द्वितीय इंटर स्त्री संयुक्त प्रयोग प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक इतना से, मतलब जो कि डेट रखा गया था पिछला जो डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराने जाने के अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी के अनुरोध के लोग को में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी अवांछित योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त के आलोक में विज्ञापन संख्या यहाँ पे 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर 18 जनवरी से 18 फरवरी तक उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। तो यानी कि आप जैसे इस वेबसाइट पे यहाँ पे हम आते हैं तो इस वेबसाइट पे आने के बाद से आपको एडिट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रीव्यू एंड एडिट योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे 3 स्टेप में फिर आपको जो है अपने एप्लीकेशन एडिट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया हुआ है। फाइनली जैसे हम यहाँ पे आते हैं अपने फ्रेश वेबसाइट पे तो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोज कैंडिडेट हु हैज बीन डन हिज हर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कैन लॉग इन। यानी कि जो लोग पिछले एप्लीकेशन आपने जो सबमिट किया है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन पे जाकर के आपके मेल और आपके मोबाइल पे जो यूजर आईडी पासवर्ड रिसीव हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉग इन करेंगे। जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार के ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही अपना कोई भी डिटेल इसमें एडिट करना चाहते हो जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके अपने रेसिडेंसी या कास्ट सर्टिफिकेट में किसी तरह की त्रुटि हो गई हो तो यहाँ पे है आप अपना एडिट कर सकते हैं। आप कैसे एडिट करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन में यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक हेयर टू प्रीव्यू एंड एडिट योर एप्लीकेशन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको अगर अपना नाम एडिट करना हो तो यहाँ पे दे रहा है डू यू वांट टू करेक्ट द नेम ऑफ एप्लीकेशन स्पेलिंग एरर, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे अपना नाम डाल के यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वैसे ही आपके पिताजी का नाम अगर गलत हो तो यहाँ पे यस करके अपने पिताजी का नाम भरेंगे। वैसे यहाँ पे आपको एक एक कॉलम को देख लेना है, जो यहाँ पे गलत होगा वहां पे टिक कर लेना यस एंड अपना जो है करेक्शन नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप इस चीज को करेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एड्रेस में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो यहाँ पे यस करके आप अपने एड्रेस को यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी तरह की त्रुटि नहीं है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है अगर नो अगर मतलब त्रुटि नहीं है तो सबको यहाँ पे आपको नो करके एंड यहाँ पे जो है आगे आपको बढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे आप नो करते जाएंगे अब यहाँ पे जैसे दे रहा है डू यू वांट टू बिलोंग क्रीमी लेयर, यहाँ पे आपको यस रहने ही देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डू यू वांट टू यहाँ पे चेंज योर
मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे हमारा रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ, और पेज रिफ्रेश करने के बाद से मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाले में सेक्शन में, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे नो करा, यहाँ पे मुझे नेम नहीं चेंज करने हैं, पिताजी के नेम नहीं चेंज करने हैं, माताजी का नेम नहीं चेंज करने हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो रहने देंगे। डू यू वांट टू करेक्ट योर कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी, तो यहाँ पे नो हम कर देते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि क्रीमी लेयर हमारा है तो यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे हम नो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे यस कर रखा है। अब यहाँ पे कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ मीन्स डू यू वांट टू करेक्ट योर स्टेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रहा है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सेव एंड सबमिट करेंगे। जैसे सेव एंड सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ग्रीन हो जाएगा और हमारा सेकेंड सेलेक्शन आ जाएगा एजुकेशन डिटेल। अगर इसमें कुछ करेक्ट हमें करने हो तो यहाँ पे हम करेंगे प्रीव्यू एंड योर डिटेल, अगर नहीं करने हैं तो सेव एंड नेक्स्ट हम जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पे अप्लीकेशन जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हमारा यहाँ पे जैसे हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमें आई हैव भी क्लिक नहीं किए हुए हैं, अनसेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ओके हम यहाँ पे करके आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाएंगे डायरेक्ट एजुकेशन वाले सेक्शन में। अगर यहाँ पे हमें किसी तरह की त्रुटि हमें समझ में आ रही होगी, जैसे बीएससीबी बोर्ड का हमने डिटेल दे रखा है, यहाँ पे कुछ तरह किसी तरह की दिक्कत समझ में आ रही हो, यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रीव्यू एडिट एंड एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट करके अपने एक एक चीज को एडिट कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट करके हमने जो डिटेल यहाँ पे सबमिट किया वो सही है यहाँ पे करके हम ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में, जहाँ हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज को, इस पेज को समझना है और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। उसके पहले यहाँ पे साइज भी जानेंगे और यहाँ पे कैसे साइज बनाएंगे तो यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड द 10th सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट, यहाँ पे आपको अपलोड द 10th मार्कशीट अपलोड द 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है वो और आपका जो मार्कशीट मिलता है वो आपको दोनों यहाँ पे अपलोड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टार लगे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे अपना लिए नहीं हुए हैं, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। फाइनली यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि हमारे पास मार्कशीट 10th का यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मार्कशीट का साइज क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच, और PDF फाइल होना चाहिए बिटवीन 50 KB से 1 MB के बीच, सभी फाइल का साइज यही होगा। और यहाँ पे आप अपना मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास डिग्री नहीं है सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी आपके पास पूरा टाइम है 18 फरवरी तक अपने स्कूल में विजिट करके जो है अपना मूल प्रमाण पत्र ले लें। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है, जैसे कि बहुत सारे बीएससीबी बोर्ड में क्या होता है कि 2-3 साल के बाद विद्यालय में जो है मार्कशीट आता है, उस स्थिति में क्या करेंगे, सनद आता है, जैसे 2-3 साल के बाद सनद आता है, जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो मैट्रिक का 2-3 साल के बाद आता है विद्यालय में, तो आप क्या करेंगे कि गाइज यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर उस स्थिति में अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे मार्कशीट का PDF यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका 12th आपका तो साथ ही साथ मिल जाता है मार्कशीट, और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करेंगे। साथ ही में यहाँ पे वैलिड फोटो ID प्रूफ, यानी कि आप अपना जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड, अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपने वैलिड फोटो ID प्रूफ में आपने दिया है पर्सनल डिटेल में, तो यहाँ पे आप अपना आधार ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड दिया है या कोई और डॉक्यूमेंट दिया है तो आप वहाँ पे अपना ID यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको डालना होगा बिहार डोमिसियल स्टेट, यानी कि आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है, आप अगर निवास प्रमाण पत्र अगर आप लगाए हैं बिहार के हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही में अगर आपने NCL लगाया है तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपने BC कैटेगरी है, अगर आपने EWS लगाया है, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। साथ ही में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स को आपने सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही में यहाँ पर ये सब डालने के बाद से सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो, इससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपको त्रुटि समझ में आ रही हो, किसी तरह की डाउट समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। सो मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।